अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मेरी अध्यात्म साधना केंद्र दिल्ली की ओर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग भारत की विश्व को एक सबसे अनूठी देन है। आम आदमी की भाषा में योग को हम आसन, प्राणायाम और ध्यान के रूप में समझ सकते हैं। हम व्यायाम करते हैं, कोई जिम जाता है, कोई फिजियोथेरेपी करवाता है, कोई दौड़ लगाता है, कोई दूसरे तरह के व्यायाम करता है। ये प्रश्न हो सकता है कि आसन में और दूसरे तरह के व्यायाम में क्या कोई अंतर है, और यदि कोई अंतर ही नहीं है तो फिर मुझे आसन ही क्यों करने चाहिए। योग में जो आसन करवाए जाते हैं वे शरीर को लचीलापन प्रदान करते हैं। हम दूसरे जो व्यायाम करते हैं उनके बारे में हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि वे हमें लचीलापन भी प्रदान करते हैं। हमारा स्वास्थ्य हमारी मजबूती में भी छिपा है और हमारे लचीलेपन में भी छिपा है। हम केवल मजबूत बने परंतु लचीले न रहे तो हमारा स्वास्थ्य भी स्थिर नहीं रहेगा। अधिकतर व्यायाम हमारे शरीर के ऊपर कार्य करते हैं, मैस्कुलर सिस्टम के ऊपर कार्य करते हैं और हमारी हड्डियों पर काम करते हैं, हमारे स्केलेटल सिस्टम पर काम करते हैं। आसन शारीरिक मांसपेशियों पर काम करता है, वह हड्डियों पर भी काम करता है, परंतु आसन की विशेषता है कि वह इससे कहीं अधिक सूक्ष्म में जाकर हमारे ग्रंथि तंत्र पर, हमारे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर कार्य करता है। हमारे ग्रंथि तंत्र से, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जो हार्मोन्स निकलते हैं, जो रसों का श्राव होता है, वह उनके श्राव को नियंत्रित करता है, उनके रसायन को, उनके केमिकल कंपोजिशन को चेंज करता है और उसके माध्यम से हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर स्वस्थ बनाने का प्रयास करता है। हम जानते हैं कि मंडुकासन के माध्यम से हम अपनी पैनक्रियाज को रेगुलेट करके डायबिटीज के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। सिंहासन के माध्यम से हम थायराइड को नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। एक नोली क्रिया हमारे पाचन तंत्र के आसपास जितनी भी ग्रंथियां हैं, चाहे वे गोनाड्स हों, चाहे वो पैनक्रियाज हों, चाहे वो स्प्लीन हो, उन सब को प्रभावित करती है और इसके साथ आसन लचीलापन तो लेकर आते ही है। अतः आसन का रहस्य व्यायाम में नहीं छुपा, आसन का रहस्य छुपा है हमारे शरीर को लचीला बनाने में। इसका रहस्य छुपा है हमारे ग्रंथि तंत्र से निकलने वाले रस हार्मोन्स, उनके श्राव को, उनके सिक्रीशंस को रेगुलेट करने में, उनको नियमित करने में। थोड़ी सी हमारी थायराइड में कहीं परिवर्तन हो जाए, हमारा पूरा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। थोड़ा सा पैनक्रिया से निकलने वाला श्राव गड़बड़ हो जाए, हमारा पूरा स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा। अतः यदि हम केवल शारीरिक मांसपेशियों पर, केवल स्केलेटल सिस्टम पर, केवल हड्डियों पर काम करते रहें तो वह उतना पर्याप्त नहीं होगा। हमें सूक्ष्म में जाना होगा और वहाँ कार्य करना होगा यदि हमें सही रूप में स्वस्थ रहना है, और इसके लिए हमें आसन को अपनाना होगा। आसन ग्रंथि तंत्र के माध्यम से, शरीर की मांसपेशियों के माध्यम से और हड्डियों के माध्यम से इनको लचीला बनाकर, इनको क्रियाशील बनाकर, इनको एक्टिवेट कर, इनमें निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं, रस है, उनके श्राव को नियंत्रित कर हमें स्वास्थ्य की ओर लेकर जाता है। अब बारी आती है प्राणायाम की। फिर प्रश्न वही उठता है कि प्राणायाम क्या केवल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, श्वास की केवल क्रिया मात्र है,
यह बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें श्वास का व्यायाम तो होता है, फेफड़ों का व्यायाम तो होता है, हृदय का व्यायाम तो होता है, परंतु बात कहीं बहुत गहरे में है और बहुत कहीं सूक्ष्म है। हमारे शरीर में श्वास की जो व्यवस्था है, श्वास की गति और लय हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का बैरोमीटर है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे मन में क्रोध हो, मेरे मन में भय हो और मेरे श्वास की गति और लय ठीक हो, मैं मानसिक रूप से अस्वस्थ हूं और मेरे स्वास्थ्य की गति ठीक हो। इसके विपरीत यदि मेरा मन शांत है तो मेरा श्वास स्थिर होगा, उसकी गति लयबद्ध होगी। वही बात शरीर पर भी लागू होती है, वही भावनात्मक स्तर पर भी लागू होती है। श्वास की गति और लय को यदि मैं ठीक कर लेता हूं तो वह मेरे डॉक्टर का कार्य करता है, वह मेरा बैरोमीटर भी है, वह मेरा डॉक्टर भी है। श्वास की गति और लय मुझे ये बताती है कि मेरे स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं विकार है, चाहे वो शरीर में है, चाहे वो मन के स्तर पर है और चाहे भावनात्मक स्तर पर। और डॉक्टर के रूप में जब मैं श्वास की गति और लय को स्थिर कर लेता हूँ तो मेरे स्वास्थ्य में जो विकार है वह ठीक होना शुरू हो जाता है। तो प्राणायाम के माध्यम से मैं श्वास की गति और लय को संगीत में बनाता हूँ, स्थिर बनाता हूँ, लयबद्ध बनाता हूँ। और यदि वह लयबद्ध रहने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है बार बार अभ्यास के द्वारा, श्वास का लयबद्ध चलना, उसकी गति को स्थिर होना सुनिश्चित हो जाता है बार बार प्रयोग के द्वारा, तो जिस कारण से चाहे मेरे शारीरिक, चाहे मानसिक और चाहे भावनात्मक स्तर पर स्वास्थ्य में परिवर्तन आया हो, वह ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। श्वास मेरे प्राण का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम यह कहते हैं कि इड़ा और पिंगला के माध्यम से श्वास चल रहा है, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर चल रहा है, तो वह मेरे भीतर ऊर्जा के संतुलन की बात कर रहा है। यह दाएं अथवा बाएं से श्वास चलना प्रकृति ने मेरे भीतर ऊर्जा के संतुलन की व्यवस्था की हुई है। प्रकृति ने ये व्यवस्था की हुई है कि वह अपने आप संयमित रूप में, एक व्यवस्थित रूप में कभी दाएं से और कभी बाएं से चलता रहे, परंतु जब उसमें अव्यवस्थित क्रम आ जाए तो वह इस बात का संकेत भी दे रहा है कि अब इसे ठीक करने की आवश्यकता है। तो यदि उसे मैं ठीक करने का क्रम प्रारंभ कर देता हूँ, फिर चाहे मैं अनुलोम विलोम के माध्यम से करता हूँ, दीर्घ श्वास के माध्यम से करता हूँ, या किसी भी अन्य प्रकार से प्राणायाम के माध्यम से करता हूँ, तो मैं अपने भीतर स्वास्थ्य को जागृत करता हूँ, अपने आप को स्वस्थ करने की दिशा में आगे बढ़ता हूँ। और अब बात आती है ध्यान की। वास्तव में आसन और प्राणायाम तो शरीर को, मन को, भावना को ध्यान के लिए तैयारी करने की एक प्रक्रिया मात्र है, यह उसकी पूर्व भूमिका मात्र है। मूल लक्ष्य तो ध्यान ही है। मनुष्य प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस ब्रह्मांड में जितने भी जीवित प्राणी हैं, उनकी एक सीमा है। वे इंस्टिंक्ट के माध्यम से कार्य करते हैं। घोड़ा घास खाता है, घास ही खाएगा। शेर मांस खाता है, मांस ही खाएगा। प्रकृति के माध्यम से वे अपने भोजन में परिवर्तन नहीं कर सकते, वे अपने क्रियाकलापों में परिवर्तन नहीं कर सकते। उनके प्रशिक्षण की भी एक सीमा है, हम कितना अधिकतम प्रशिक्षण दे सकते हैं, परंतु मनुष्य के साथ ऐसी कोई सीमा नहीं है। मनुष्य अपनी संभावनाओं का असीम विस्तार कर सकता है। उसके पास बुद्धि भी है और उसके पास विवेक भी है। हम समझें इस बात को कि विचार हमारे निर्माण की पहली सीढ़ी है। विचार एक ऊर्जा है। हर विचार हमें एक निर्माण की ओर अथवा एक और विध्वंस की ओर लेकर जाता है। उस विचार की जितनी सघनता होगी, उसकी जितनी एकाग्रता होगी, हम निर्माण अथवा विध्वंस की ओर उतनी ही तेजी से, उतनी ही एक रूपता के साथ आगे बढ़ पाएंगे।
ध्यान उन विचारों को सुव्यवस्थित रूप में, सुनियोजित रूप में एकाग्रता की ओर, एक ही दिशा की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। एक मिनट में 40 विचार साइकोलॉजिकल विज्ञान कहता है। क्रोध की दिशा में, लोभ अथवा वासना की दशा में विचारों की संख्या बढ़ जाती है। अब जब सैकड़ों सैकड़ों विचार आएंगे तो फिर एक ही निर्माण कैसे हो पाएगा? परंतु ध्यान के माध्यम से जब हम विचारों को एकाग्रित कर लेते हैं, एक ही बिंदु पर ध्यान टिका लेते हैं, तो फिर सही निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर हम आसन की, प्राणायाम की और ध्यान की इस महत्ता को समझें कि वह मेरी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का, मेरे भीतर असीम शक्तियों के विकास की संभावनाओं को जागृत करने का और अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन है। वह शारीरिक स्वास्थ्य का साधन तो है, वह मानसिक स्वास्थ्य का साधन तो है, वह भावनात्मक स्वास्थ्य का साधन तो है, परंतु मेरी यात्रा यहाँ से केवल प्रारंभ भर होती है, यह अंतिम लक्ष्य नहीं है। यदि इस दिवस पर योग को इस रूप में हम देख सकें तो हम वास्तव में उसका पूर्ण लाभ ले सकेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।